जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नीतू कपूर जो है सो अपने हस्बैंड ऋषि कपूर को खोने के बाद उन्हें बड़ा ही दर्द भरा विदाई देने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों को याद कर रही हैं जिनके साथ ऋषि बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते थे। यहाँ हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, नीतू कपूर अपने पति के साथ आखिरी साल किस तरह गुजार रही थी। वो आखिरी साल यानी कि साल 2019 से लेकर साल 2020 तक का सफ़र, न्यूयॉर्क में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ रहे थे जब ऋषि कपूर पत्नी ने दिन रात पति की सेवा में, नीतू कपूर ने अपने हस्बैंड ऋषि कपूर की सेवा में दिन रात कर दिया था। एक ऋषि कपूर की बेचैनी के एक एक पल में नीतू कपूर उनका दर्द बांट रही थी। हर पल अपने पति के साथ थी नीतू कपूर और हर वक्त को कैमरे में कैद कर रही थी नीतू कपूर। ऋषि कपूर के आखिरी साल 2019 से लेकर 20 तक के हर महीने में जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, नीतू कपूर अपने पति के साथ की हर तस्वीर को कैमरे में कैद कर उनके साथ बिताए लम्हों को कैमरे में कैद कर रही थी। न्यूयॉर्क की वो जो फोटो थी उससे अगर आप बात कर देखेंगे तो वाकई में रो पड़ेंगे। अपने पति को लेकर कन्फेशन ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क, ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने न्यूयॉर्क में ही किया था कि ऋषि कपूर की कुछ गंदी आदतों से वो काफ़ी परेशान रही, बहस करती थी, लड़ती झगड़ती थी, लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पाई। कई बार छोड़ने का उन्होंने प्लान बनाया लेकिन वो छोड़ नहीं पाई क्योंकि ऋषि कपूर का सच्चा प्यार, उनका दिल से साफ होना, उनका काइंड होना ही नीतू कपूर को हमेशा उनकी तरफ खींचा करता था। यही कारण है कि जिंदगी के कुछ आखिरी महीनों को जब नीतू कपूर पति के साथ जी रही थी तो पति पत्नी का प्यार और भी गहरा हो गया था और अपनी पत्नी को हमेशा अपने आसपास दे ऋषि कपूर हमेशा भावुक हो जाया करते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जुड़ते रहिए।